क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए अभी आ गया आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। देखिए इन्होंने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया आपको किस तरीके से करना है, तो आपको वर्क और इफिशियंसी पर काम करना है, दो चीज़ों पर काम करना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बेटा जब भी आपके पास आए आपको याद है क्या बताया गया आपको कि कार्य और क्षमता पर काम करना है, केवल ये दो चीज़ें आपने निकालनी, तो आपका टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। कार्य कैसे निकालते हैं, जो दिए गए दिन होते हैं उनका एलसीएम लेके, और जब कार्य आ जाता है तो दिनों से हम कार्य में भाग लगाते हैं तो क्षमता आ जाती है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 4 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है, तो 12 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा बेटा, 12। तो ये क्या आ गया आपका वर्क, हमने क्या निकाल लिया, कार्य निकाल लिया। अब 12 यूनिट का काम है, ठीक है, ए करता है 4 दिन में 12, बी करता है 12 दिन में 12। तो एक दिन में ए कितना करेगा, तो आप कहेंगे सर 3। एक दिन में बी कितना करेगा, तो आप कहेंगे 1। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा, तो आप कहेंगे सर 3+1, यानी कि दोनों मिलकर 4 यूनिट का काम करेंगे। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, तो दोनों मिलकर एक साथ उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, ए किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो जिनसे आपको काम कराना था उनकी क्षमता भी आपने निकाल ली, कार भी आपके पास है, दिन कैसे निकालेंगे, तो ए और बी बेटा उस काम को कितने दिन में करेंगे ये आपसे बात पूछी जा रही है। तो कार 12 है, उनकी क्षमता 4 है एक साथ करने की, तो 3 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 3 दिन में उस काम को कर लेंगे। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, तो ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु 15 वर्ष थी, पी क्यू आर की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन भाई, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले आपको समझ में आ रही होंगी, इतने आपने औसत पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन आपने कर लिया, अब आपको ईजी लग रहा होगा, अब आपको बातें समझ में आ रही है कि किस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। इन्होंने क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले किसकी आयु दी है औसत आयु, तो P प्लस Q दो लोगों की औसत आयु दी है। औसत आयु कितनी दी है, P और Q की, तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष पहले 15 वर्ष थी उनकी औसत आयु, मतलब P और Q में से हर एक को हम 5 वर्ष पहले कितने का मान के चल रहे हैं, 15 का, ठीक है। अब आप बताइए वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में P प्लस क्यू प्लस आर इन तीन लोगों की औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 20 वर्ष, यानी कि वर्तमान में हर एक की आयु कितनी मान के चल रहे हैं हम, 20। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी है, 10 साल बाद कितनी होगी, तो आर की वर्तमान आयु निकाल लीजिए, उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु दी 15। आपको पता है कि अगर वर्तमान में दोनों की औसत आयु देखनी है तो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर वर्तमान में दोनों की औसत आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि अगर 5 वर्ष पहले दो व्यक्तियों की औसत आयु 15 है, तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति की आयु में 5 साल बढ़ेगा वर्तमान में आने के लिए, और हर एक में 5 साल बढ़ेगा यानी कि औसत में भी उतने की वृद्धि हो जाएगी, तो वर्तमान में इन दोनों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, 20। वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 20, और पी क्यू आर की भी कितनी है, 20। या तो आप ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे ही करिए कि भाई वर्तमान में अगर हम बात करें कि पी और क्यू की कितनी आयु है, वर्तमान में P प्लस Q की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु आप कहेंगे 20 साल, P और Q की 20 साल है, और PQR की भी कितनी है, 20 साल है। तो इसका मतलब ये है ना कि P और Q अगर वर्तमान में 20 साल के हैं और PQR भी 20 साल के हैं, मतलब P, Q और R में से हर एक की आयु 20 साल है और PQ की भी 20 साल है, इसका मतलब R कितने का हुआ, R 20 साल का हुआ। तो वर्तमान में R कितने का है, तो आप कहेंगे सर 20 साल का है, वर्तमान में आर की आयु कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 20 साल, 10 साल बाद कितनी की होगी, तो 10 जोड़ दीजिए इसमें, तो 10 साल बाद 30 साल का होगा। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन बी में, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप अगर लॉजिकली जाते हैं तो काफ़ी आसानी से आंसर दे देंगे मौखिक रूप से, और अगर आप लॉजिकली नहीं जाते हैं तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, तो आप कहेंगे 5 साल पहले पी और क्यू की कुल आयु कितनी थी, तो 5 साल पहले पी और क्यू की कुल आयु कितनी थी, तो आपको पता है औसत में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, औसत में जितने लोग हैं अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल योग आ जाता है, तो 5 साल पहले इनका कुल योग 30 था, तो वर्तमान में अगर आएंगे तो 5 साल P में बढ़ेंगे और 5 साल Q में बढ़ेंगे,
तो टोटल कितना बढ़ेगा 10, तो वर्तमान में दोनों की कुल आयु कितनी है, तो आप कहेंगे सर 40 साल। तो पी और क्यू की वर्तमान में, पी और क्यू की वर्तमान आयु आ गई, ये क्या आ गई, वर्तमान आयु का योग आ गया, वर्तमान आयु का योग आ गया कितना 40 साल। और पी क्यू आर की, पी क्यू आर की वर्तमान औसत कितना है 20, तो तीन लोग हैं, तो वर्तमान अगर औसत 20 है तो वर्तमान में इन तीनों का योग कितना है 60, इस 60 में से 40 माइनस कर दीजिए तो ये किसकी आयु आ जाएगी, आर की, क्योंकि भाई ये पी क्यू आर की वर्तमान आयु का योग है 60 और पी और क्यू की 40 है, तो 40 में से 60 माइनस, 60 में से 40 माइनस कर दीजिए 20, आर की आयु आ गई 10 साल, जोड़ दिए थे 30 साल, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप जा सकते हैं, नहीं तो आप लॉजिकली अगर जाएंगे तो बहुत ईजी, आपको पता है कि 2 साल पहले 5 साल पहले जो भी आपको आयु दी है, अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे बोल देते कि पी और क्यू की 2 साल पहले औसत आयु 15 साल थी, तो वर्तमान में क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 17, क्योंकि हर एक की आयु में 2 साल की वृद्धि होगी, तो औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि एम का 10% एन के 20% के बराबर है तो एम अनुपात एन का मान ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन भाई, आपको समझ में आ गया, अभी तक तो आपने कर लिया होगा कि एम का 10% किसके बराबर बेटा, तो आप कहेंगे एन के 20% के बराबर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट में बोला गया है, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, एम और एम का अनुपात ज्ञात करना है, तो एम के बटे में क्या ला दीजिए एन, तो 2 के बटे में क्या जाएगा 1, तो एम अनुपात एन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2:1, ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है 2:1, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कितना है, क्या कह रहा है कि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है। कोई एक तार है जिसको हम वर्ग के रूप में मोड़ते हैं जिसका क्षेत्रफल कितना है 81 वर्ग मीटर है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। देखिए सबसे पहले बात समझिए कि एक तार है जिसको हमने किसके रूप में, वर्ग के रूप में मोड़ा, इस तरीके से तार मुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से तार क्या है मुड़ा हुआ है, ये वर्ग के रूप में तार है, तार को मोड़ दिया, अब इसी तार को वापस से हम क्या करते हैं एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ते हैं, तो ये क्या हो गया अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त के रूप में उसको मोड़ दिया। ठीक है, तो अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो आपको बतानी है कि कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो रेडियस होती है वो आपको बतानी है कितनी है। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि तार का जो परिमाप है, क्योंकि तार का यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप है, तार को आपने जब वर्ग के रूप में बनाया, तार को आपने जब वर्ग बनाया तो जो वर्ग का परिमाप है वो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगा, क्योंकि भाई ये तो तार है इसको मोड़कर आपने वर्ग बना दिया, तो ये वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप क्या बाउंड्री, वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर वो अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो अगर ये अर्धवृत्त की परिधि जो है हमारी पूरी परिधि, यहां से यहां तक संपूर्ण परिधि, और ये जो वर्ग का परिमाप है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि एक ही तार को आप मोड़ रहे हैं दूसरे रूप में। ठीक है, तो यहां से आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्या क्या बातें हमें दी हैं। तो एक वर्ग का आपको क्या दिया है क्षेत्रफल, किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है जिसका क्षेत्रफल दिया है, अगर इस वर्ग की भुजा को हम ए नाम दे दें तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो गया 81, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 9 मीटर, 9 मीटर आ गई क्या वर्ग की भुजा। अब वर्ग के परिमाप की हम बात करें कि वर्ग का परिमाप कितना है, तो आप कहेंगे सर वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 into a, यानी कि 4 into भुजा, तो 4 into क्या कर देंगे 9, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 36 मीटर, यानी कि जो 36 मीटर परिमाप आया ना, ये वो तार की लंबाई आ गई 36 मीटर, यानी कि तार 36 मीटर लंबा है। अब इसी तार को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अर्धवृत्त में, तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि संपूर्ण परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर क्या होगा वर्ग का परिमाप। तो बस ये दो चीजें आप कर दीजिए बराबर, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, तो देखिए यहां पर तो ये होता है इसका व्यास, यानी कि 2r, और ये कितना होता है ये वाली परिधि, तो आप कहेंगे सर ये पूरी जो परिधि होती है वृत्त की 2πr होती है, उसका आधा यानी कि ये πr होती है। ठीक है, तो यानी कि 2r + πr, ये क्या है अर्धवृत्त की परिधि है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी हो गई πr + 2r, कितना πr + 2r बेटा, तो ये अर्धवृत्त की क्या होगी परिधि हो गई, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2r बराबर में किसके, तो आप कहेंगे सर 36 के बराबर।
तो यहां से आप आर का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, आर कॉमन ले लीजिए, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में कितना 36। तो देखिए आपका ये मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 बचेगा यहाँ, 1 नहीं 2, ये कितना बचेगा बेटा आपका 2 बचेगा, 2R था ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, तो 7 × 14 और 22 कितना 36, तो ये कितना हो गया आपका। तो आप कहेंगे सर R 36/ कितना हो गया 7 और बराबर में कितना 36, 36 से बेटा 36 कैंसिल हो गया, R की वैल्यू कितनी आ गई 1 का मल्टीप्लाई 7 से, तो आपका ये 7 आ गया। यानी कि वो अर्धवृत्त के जिस रूप में आपने कन्वर्ट किया उस तार को अर्धवृत्त के रूप में, उस अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 7। यही आपसे पूछा गया था भाई अर्धवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर। तो क्लियर चीज हुई, जब एक आकृति को आप दूसरी आकृति का रूप देते हैं बेटा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वो तार है जिससे आपने वर्ग बनाया था, तो उस वर्ग का परिमाप उस अर्धवृत्त की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पर ले जाते तो शायद ऐसा बोल सकते थे बनाते समय 10% तार बेकार चला गया, 15% या 20% बेकार चला गया, तो जो तार की टोटल लंबाई आएगी उसमें से हम उतना परसेंट घटा देंगे, डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तब संख्या 75 के बराबर हो जाती है, तो संख्या बताएं। बोले एक संख्या को 2 गुना करके उसमें कितना जोड़ते हैं, 9 जोड़ दें। ठीक है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें तो तब संख्या किसके बराबर होती है, 75 के बराबर होती है, तो आपको संख्या बताने है। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन से उठाएंगे ना बहुत आसानी से कर लेंगे, और ऑप्शन से नहीं भी करना चाहें तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों तरीके हम समझेंगे कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। बोले एक संख्या को 2 गुना करके 9 जोड़ें, तो सबसे पहले तो हमने वो संख्या मान ली भाई कि वो संख्या कितनी है, तो हमने कहा एक्स है, उसको 2 गुना करके उसमें क्या जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, फिर जो परिणाम आया उसको क्या करना है, 3 गुना कर दें, तो वो किसके बराबर होता है, 75 के बराबर। ये स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला कि एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, यदि परिणाम को 3 गुना कर दें। अब 9 जोड़ने के बाद पहले संख्या को 2 गुना किया, 9 जोड़ दिया, 9 जोड़ने के बाद जो परिणाम आया उसको 3 गुना कर दें तो 75 प्राप्त होता है, तो संख्या 75 के बराबर हो जाती है। तो भाई आपको संख्या बतानी, तो देखिए 3 से ये 25 बार कट जाएगा, और ये 2x/25 में से कितना जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9 जाएगा, तो ये कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 16 बचेगा, 16 का आधा करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8, वो संख्या कितनी आ गई, 8। अब जैसा कि हमने बोला ये सीधा भी हो सकता है और सीधे सीधे आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, संख्या को दुगुना करिए तो आप कहेंगे सर 24। पहला ऑप्शन अगर हम लेके चलें, पहले तो हमारा आंसर आप देख लीजिए कितना है, डी है। अगर हम पहला ऑप्शन लेके चलें कि संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ दें, 9 जोड़ दिया तो कितना होगा, 33, और इसका 3 गुना करना, 3 गुना में देखिए इकाई का अंक आपको 9 मिल रहा, जबकि आपको चाहिए कितना, 75, 75 में चाहिए इकाई का अंक 5, कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन बी पर अगर आए तो संख्या का 2 गुना, 3.5 का 2 गुना, तो आप कहेंगे 7, उसमें 9 जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे 16, और उसका 3 गुना तो आप कहेंगे सर 48, कहाँ 75 मिला आपको, तो ये भी हमारा आंसर नहीं। फिर 6 को आप देखिए, जब 3.5, 12 नहीं मिला तो 6 के चांसेस हैं, तो 6 का 2 गुना तो आप कहेंगे 12, उसमें 9 जोड़ दिया तो कितना बेटा, तो आप कहेंगे 21, 21 का 3 गुना कर दिया तो 63, कितना हो गया 63, तो ये भी नहीं है, तो लास्ट क्या बचा, डी बचा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आप ऑप्शन से जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बेटा, ए बी और सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की, यदि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 रुपये अधिक निवेश किए, तो 4,700 रुपये के कुल लाभ में सी का हिस्सा बताना है। देखिए इन्होंने बोला कि ए बी सी ने कुल कितनी पूंजी लगाई, तो 47,000, तो हमने लिख लिया भाई कि ए प्लस बी और प्लस सी इनने कुल कितनी पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे सर 47,000। अब यहाँ पर कंडीशन है कि ए ने बी से 7,000 रुपये अधिक तथा बी ने सी से 5,000 अधिक, तो सबसे पहले हम सी को माने ले रहे हैं कि सी ने लगाए 100 रुपये, तो बी ने कितने अधिक लगाए, 5,000 अधिक, तो एक्स प्लस 5,000 कितने लगाए, बी ने लगाए एक्स प्लस 5,000। इन्होंने बोला ए ने बी से 7,000 अधिक, तो अब ए ने कितने लगाए भाई, बी से 7,000, तो आप इसमें 7,000 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 12,000, भाई 5,000 में 7,000 जोड़ देंगे तो 12,000। तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि ए ने कितनी पूंजी लगाई, बी ने कितनी लगाई और सी ने, तो ए की पूंजी कितनी हो गई बेटा, x प्लस 12,000
बी की पूंजी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर एक्स प्लस 5,000, और सी की पूंजी कितनी है एक्स, तो टोटल पूंजी किसके बराबर हो गई है 47,000 के। अब यहाँ से आप देखिए कि एक्स कितने बार, तो आप कहेंगे सर 3x, 12 और 5 कितना, तो आप कहेंगे सर 17,000, और बराबर में कितना, तो आप कहेंगे सर 47,000। तो 3x की वैल्यू किसके बराबर, तो 17,000 47 में माइनस होगा, तो आप कहेंगे सर 30,000। तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 10,000 के बराबर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10,000। अब सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा आप कैसे बता सकते हैं, जब आप ये बता दें कि इनने किस अनुपात में पूंजी लगाई, क्योंकि जिस अनुपात में बेटा पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में लाभ को भी हम बांटते हैं। तो देखिए अब एक्स की वैल्यू 10,000 आ गई, तो 12,000 उसमें जोड़ देंगे, तो ए ने कितनी पूंजी लगाई, तो आप कहेंगे सर 22,000। बी ने कितनी पूंजी लगाई, तो 10 आप 15 में जोड़ देंगे, तो बी ने 15,000 पूंजी लगाई। सी ने कितनी पूंजी लगाई बेटा, तो सी की तो एक्स ही है यानी कि 10,000। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, अनुपात, इन तीनों की पूंजियों का अनुपात, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो यहां से ए बी और जो बेटा सी है उनकी पूंजियों का अनुपात कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 22, 15 और कितना 10। अब जो इनकी पूंजियों का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ भी बटेगा, तो हम कह सकते हैं कि लाभ में से 22 ए को मिलेगा, बी को 15 मिलेगा, सी को 10 मिलेगा। ठीक है, तो कितना हुआ भाई, 25 और 22 47, तो टोटल लाभ कितना हुआ 47। 47 की वैल्यू किसके बराबर, तो आपको दिया है टोटल लाभ 4700, तो 4700 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 100 के बराबर। किसकी वैल्यू बता ली, सी की, तो सी को कितने यूनिट मिलते हैं बेटा, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 10 से आपने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा आपका, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो सी को लाभ में से कितना मिलेगा, 1000। किस ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका, इस प्रकार आंसर हो गया। ठीक है, सीधा सीधा चलिए, आराम से कर लेंगे क्वेश्चन में, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये देखिए परमुटेशन का एक क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं बेटा कि यदि np3 बराबर np2 हो तो n का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, np3 बराबर किसके है, np2 के बराबर है, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है, n की वैल्यू आपको बतानी कितनी है। तो सबसे पहले आपको परमुटेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके लिए npr, npr कितना होता है, तो आप कहेंगे सर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r या n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो npr की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, n की वैल्यू n है, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3, r की वैल्यू कितनी है 3, बराबर में n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 2, ठीक है, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब हम इसको क्या करेंगे, खोलना शुरू करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर आपके पास क्या लिखा है, n फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, और ये कहाँ तक जाता है, इस तरीके से 1 तक मल्टीप्लाई में जाता है, मतलब जो भी आपके पास फैक्टोरियल दिया है उसमें से आप 1 माइनस करके नेक्स्ट टर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आप इसको खोलेंगे जब, तो ये हो जाएगा n माइनस 2 और नेक्स्ट में ये जाएगा आपका n माइनस 3, और यहाँ पर हमने लगा दिया फैक्टोरियल, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास थी, n माइनस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी, तो n माइनस 3 और ये आपके पास क्या है फैक्टोरियल, तो ये पूरा फैक्टोरियल था, ये पूरा फैक्टोरियल कैंसिल, तो यहाँ बचेगा कितना 1, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया n माइनस 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ये इस तरफ आ जाएगा भाई 2, तो प्लस हो जाएगा, तो कितना 3। तो इस प्रकार n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई बेटा 3। क्लियर होगी बात, किस ऑप्शन में दिया आपको 3, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई, एक ट्रक 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले 1.5 घंटे तक चलता है, इसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, ये आपको बताना है। देखिए पहले वो 1.5 घंटे कितने की चाल से चला, ये स्पष्ट रूप से दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो अगर हम बात करें कि पहले वो एक केस में गया भाई, पहला केस मान लीजिए कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल थी,
और उसने टाइम समय कितना लिया, तो आप कहेंगे सर 1.5 घंटे का उसने समय लिया। तो दूरी कितनी तय की होगी, तो आप जानते हैं दूरी, ये चीज़ आपको पता है बेटा, हम जान चुके हैं कि दूरी क्या होती है, चाल और समय का गुणनफल। और यहाँ किसी को कन्वर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में और समय भी घंटे में दिया है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम ये देख लेंगे कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में ट्रक ने कितनी दूरी तय की। तो देखिए 90 दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, तो चाल गुणा समय मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 15 × 9 = 135, तो हो जाएगा 135, 10, तो दशमलव लग जाएगा भाई एक अंक बाद। तो यानी कि 135 किलोमीटर की दूरी उसने 1.5 घंटे में तय कर ली, क्योंकि ट्रक की चाल कितनी थी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, तो उसने 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अब शेष दूरी कितनी बची, तो सबसे पहले आप शेष दूरी निकालिए कि शेष दूरी कितनी है। तो कुल दूरी थी 310, उसमें से 135 माइनस कर दीजिए, तो शेष दूरी कितनी, 5, 4 माइनस होगा 11 में से 7, 275, 175 बचेगी। कितनी बचेगी बेटा, 175। शेष दूरी कितनी बची, तो आप कहेंगे सर 175 किलोमीटर की शेष दूरी बची। अभी जो 175 किलोमीटर की शेष दूरी बची, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक तय करता है, तो कितना समय और लेगा। तो आप जानते हैं समय क्या होता है, तो आप कहेंगे सर समय होता है दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी और चाल का अनुपात हमारा समय होता है। तो अब उसने कितनी दूरी तय की, 175, और समय कितना लिया बेटा, तो समय तो आपको पता नहीं है, तो चाल कितनी है भाई उसकी, 70, तो 70 से आप भाग लगा दीजिए। किससे कट रहा है भाई, तो 14 ही से कट रहा है, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 से 10 बार, 7 से काटा आपने तो 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, यानी कि 10 से भाग देंगे 2.5, 2.5 घंटे। कितना घंटे का समय लगेगा उसको शेष दूरी तय करने में, 2.5 घंटे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ट्रक को 310 किलोमीटर की दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, कुल समय बताना है। तो देखिए 2.5 घंटे ये, और 1.5 घंटे पहले उसने लिया था, तो टोटल टाइम निकल आएगा भाई, टोटल टाइम यानी कि कुल समय की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 2.5 घंटे ये लिए उसने शेष दूरी में, और 1.5 घंटे पहले तय की थी, तो 2.5 और 1.5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 4 घंटे। कुल कितना समय लगा उसको, 4 घंटे। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर होगी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाएंगे। मतलब हो जाएंगे का मतलब क्या है कि भाई ये आपके पास मूलधन है 8,000 और ये 8,820 मिश्रधन है। अब 2 साल में हो रहे हैं, ब्याज की दर बतानी है, तो हमें क्या करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब आपको पढ़ाया था, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बताया था कि अगर आपके पास मूलधन और मिश्रधन दिया है और 2 साल बाद का मिश्रधन दिया है, तो आप पहले मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाइए और आप क्या करिए उसको 1 साल पहले के अनुपात में कन्वर्ट करिए। तो कैसे करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, अगर आपने 2 साल बाद के मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल लिया और पहले साल का आप मिश्रधन का मूलधन से अनुपात चाहते हैं, तो उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व भाई। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मूलधन हमें कितना दिया, 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये की राशि कितने मिश्रधन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि अमाउंट कितनी बन जाती है, 8,820 रुपये बन जाती है। कितने साल में बन जाती है, समय दिया आपको 2 साल में बन जाती है, यानी कि 8,000 रुपये की राशि 8,820 रुपये 2 साल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर हम आपसे कहें मिश्रधन का मूलधन से अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 8,820 को भाग लगा दीजिए 8,000 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल, अभी आपका 2 से 4 बार कैंसिल, 2 से ये 4 बार 4 बार और 1 बार, यानी कि आपका आ गया 441/400। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 400 रुपये की राशि थी वो 2 साल में 441 रुपये हो जाती है। मतलब 2 साल बाद का जो मिश्रधन का मूलधन से अनुपात है वो 441/400 है। तो पहले साल में कितना होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं, 2 साल दिया है तो पहले साल में आना हो तो इसका वर्गमूल ले लीजिए, अगर ये 3 साल दिया होता और पहले साल में आना होता तो इसका घनमूल कर देते, ठीक है। तो अब 441 का वर्गमूल, तो आप जानते हैं भाई 21, 400 का वर्गमूल 20, मतलब ये पहले साल का अमाउंट टू प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, यानी कि आपके मिश्रधन का मूलधन से अनुपात आ गया कब का, पहले साल का,
यानी कि जो राशि आपकी शुरुआत में 20 रुपये थी वो एक साल में कितनी 21 हो जाती है। तो आप कहेंगे ब्याज कितना मिला, तो 1 रुपये का ब्याज मिला। अब ब्याज 1 रुपये का मिला आपको एक साल में, तो दर भी तो हमारी वार्षिक रूप से होती है, तो अगर एक साल का ब्याज मिला तो दर कैसे निकालते हैं, दर होती है एक साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। भाई एक साल में जो 20 रुपये थे वो 21 हो गए, तो 1 रुपये का ब्याज मिला आपको 20 रुपये पर, 20 से काट देंगे भाई 5 बार, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 5%, तो 5% आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। सिंपल क्वेश्चन हमेशा इसी तरीके से बनाना है। जब भी आपको अगर बोल दें कि मूलधन आपका 8,000 है, वो 9,261 रुपये हो जाता है 3 साल में, ठीक है, तो आप 3 साल बाद का क्या करेंगे, मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाएंगे। और दर आपसे पूछी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा, घनमूल लेना पड़ेगा। तो घनमूल जब लेंगे 9,261 और 8,000 का, तो आपका कितना आएगा, तो वो आप कहेंगे सर 9,261 किसका होता है घन और 8,000 किसका होता है, तो 20 और 21 का फिर भी केस बनेगा। क्लियर हो रही बात, फिर भी आपका केस किसका बनेगा, 20-21 का बनेगा, 9,261 और 20 का, ठीक है। तो आप इस तरीके से जब 3 साल बाद का दिया हो, पहले साल का अनुपात निकालना, तो आप क्या कर सकते हैं, घनमूल ले सकते हैं। और अगर 2 साल बाद का दिया है और पहले साल में अनुपात निकालना, तो वर्गमूल लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।